तो नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि बोला था मैंने कि बायो टेक्नोलॉजी, इसी का एनालिसिस कर लेते हैं। सिलेबस, PYQ, और उसके बाद क्या NCERT काफ़ी है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए थे। जैसे अगर वेटेज की बात करूँ तो एच स्टेट में, PGT वाले पोर्शन में, 2022 में 4 क्वेश्चंस थे, 21 में 3 क्वेश्चंस थे, 2020 में 3 क्वेश्चंस थे, 2019 में एक ही आया था, 18 में 3 क्वेश्चंस थे, और 2016 में 5, बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने क्वेश्चंस थे। ठीक, तो एक रफ आइडिया मिल गया कि पैटर्न क्या है पूछने का। आगे है नेक्स्ट एग्ज़ाम HPSC PGT, 2023 का एनालिसिस है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक एग्ज़ाम का मिला, एक ही पेपर है मेरे पास अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग 4 MCQ आए हुए थे। सिलेबस देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे HPSC में काफ़ी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन जो एच स्टेट है वहाँ पे चैप्टर का ही नाम लिखा हुआ है। अभी हम देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स टेक्निक्स, टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA, क्लोनिंग वेक्टर्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बायोरिएक्टर्स, प्रोसेसिंग और उसके प्रोडक्ट्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर भी बोलेंगे, क्राय प्रिजर्वेशन, फ्यूजन मेथड्स, तो प्रोटोप्लास्ट का जो फ्यूजन होता है वो सब, डिटेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, DNA वैक्सीन्स, एडिबल वैक्सीन्स, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, GMO फॉर द पेस्ट रेजिस्टेंस, RNAi, DSRNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी। अभी हम देखेंगे कि जितने भी पॉइंटर्स दिए हुए यहाँ से क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे, ये जो है ना कि टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, और सदर्न ब्लॉटिंग से क्वेश्चन आया हुआ था, GMO से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यहाँ से क्वेश्चंस 2-3 बार आए हुए हैं। आगे देखेंगे मेडिसिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस, सीरम यूरिन एनालिसिस, PCR, ELISA, ये जो PCR है यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उनकी फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, दे यूज़ फॉर टेस्टिंग, द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, केमिकल, बायो एथिक्स इशूज़ एंड बायो पायरेसी। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, DNA वैक्सीन, 3 बार आया है। तो जैसे कि हमने फिजियोलॉजी में देखा था डिसऑर्डर्स 2-3 बार लिखा हुआ था, तो ये कीवर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे, तो इसलिए वैक्सीन से भी थोड़ा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस बना लेते हैं हम। ये नेक्स्ट देखेंगे कि एच स्टेट का सिलेबस कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे Chapter 1, Chapter 2 का नाम ही लिख दिया है बस। ये भी ऐसे लिखा हुआ है कि जो चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंटर्स दिए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे पॉइंटर के तरीके से लिख दिया है। ठीक, लेकिन अगर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या NCERT काफ़ी है या नहीं। ठीक, ये 2022 का क्वेश्चन है, PBR322 यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग, तो क्या एक मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, क्या ओरिजिनल वायरल जीनोम है, मॉडिफाइड ट्रांसपोजॉन है, या फिर मॉडिफाइड वायरल प्लाज्मिड है। पहला सही है, आप NCERT ठीक से पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, तो पहला ही सही है, बाकी नहीं सही है। कि एक तरीके से ऐसे दिया है कि जब एक पीस ऑफ RNA है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना सीक्वेंस एंड यूज टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, NCERT की लाइन है ये। यहाँ से पढ़ लेते हैं यहाँ से कि एक नॉवल स्ट्रैटेजी है अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन और विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस RNAi, मतलब इंटरफेरेंस, RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कहाँ गया एंटीसेंस। फिर आगे हम देखेंगे ये मेथड जो है वो बाइंड टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, यानी कि साइलेंसिंग करता है। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन्स, कहाँ गया ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है सेंस एंड एंटीसेंस RNA, तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया गया होस्ट प्लांट के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA ऐसा था कि इट प्रोड्यूस्ड बोथ सेंस और एंटीसेंस RNA होस्ट के अंदर, दीज टू RNAs बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड अ डबल स्टैंडर्ड DNA जो इनिशिएट करता है RNAi एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA। तो ये जो साइलेंस्ड लिखा हुआ है यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगर, तो अगर लिखा है इनहिबिट, साइलेंस्ड, स्टॉप, सब एक ही होता है, तो व्हेन अ पीस ऑफ RNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस यूज टू स्टॉप द एक्सप्रेशन, ठीक, बाकी गलत है। आगे चलेंगे, DNA पॉलीमरेज यूज इन PCR इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो बैसिलस थ्योरी, ये BT का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस
क्राउन गॉल डिजीज़ होता है और थमस एक्वाटिकस इसकी वजह से, और थमस एक्वाटिकस और मेथेनजन्स पूछा है डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर कहाँ से मिलता है ऑब्टेन फ्रॉम, तो वो मिलता है थमस एक्वाटिकस से, ऑप्शन में जो दिया था वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस। ठीक, तो सोर्स क्या है इसका, मतलब एनसीईआरटी है। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा नहीं नॉट को सर्कल बनाएंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ग्लोफिश फ्लेवर सेव मॉली या फिर गोल्डन राइस। तो जो मॉली है वो नहीं है, बाकी सब दिया हुआ है। और ये जो है, ये जो जुगनू होता है ना तो चमकता है, तो फ्लोरेसेंस एक वजह बोल सकते हैं, वैसे जो ग्लो करते हैं वैसे ये है, इसमें जीन का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है लेकिन मॉली नहीं है। एक है मॉली द लैम्प, जो वो अलग है, मॉली द लैम्प वो डॉली द शीप से रिलेटेड है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एक्वेरियम फिश होता है मॉली फिश उसकी बात करी जा रही है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, नेचुरली ही है। ग्लो फिश क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ग्लो करता है बाय इंसर्टिंग फ्लोरोसेंट जीन्स। तो अगर आप ठीक तरीके से जीन्स वगैरह पढ़े तो आपको पता होगा कि जो जुगनू चमकते हैं उनका इस्तेमाल साइंटिस्ट ने किया हुआ है, कि सिटी में जो लाइट्स होते हैं उनका कैसे हम हर जगह, मतलब यही देखते हैं कि कैसे हम इंसानों की लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। तो वैसे आपने सोचा होगा कि मान लो कभी जंगल में गए और फंस गए तो क्या होगा, क्योंकि रात में तो अंधेरा रहेगा, तो वहाँ पे भी वो बोल रहे थे साइंटिस्ट लोग कि मतलब फ्लोरोसेंट जीन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं प्लांट्स के अंदर, तो रात में अपने आप ही जलेगा लाइट के जैसे। ठीक, और उसके बाद बाकी डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। एंडो न्यूक्लियस एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पहला आएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगला है सदर्न ब्लॉटिंग, उतने अच्छे से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस, तो नदर्न ब्लॉटिंग जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ भी करेक्ट सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। ऐसे यहाँ पे बायोटिक से दो तीन क्वेश्चन सीक्वेंस वाले बन जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहला दिया कि ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन को, दूसरा दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है लेबल्ड प्रोब सीक्वेंस के साथ, तीसरा है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम ये देख लेते हैं सदर्न ब्लॉटिंग स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द सैंपल, फिर उसके बाद फ्रैगमेंट डीएनए विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फिर सेपरेट करेंगे डीएनए को बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर आगे आएगा कि ट्रांसफर एंड फिक्स द सेपरेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द जेल ऑनटू अ नायलॉन मेम्ब्रेन, फिर आएगा प्रोब फॉर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग अ न्यूक्लियोटाइड प्रोब, उसके बाद ये डिटेल आएगा। तो अगर हम इसको ठीक से पढ़ें तो ट्रांसपोर्ट बोला है, हाइब्रिडाइजेशन विद प्रोब सीक्वेंस बोला है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा। प्रोब सबसे लास्ट में आया है, एक्सट्रैक्ट फ्रैगमेंट सेपरेट ये, तो प्रोब सबसे लास्ट में है तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये है ये, तो बी सबसे लास्ट में आना चाहिए, बी लास्ट एक ही जगह है तो हम थ्री के साथ जाएंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स पहला स्टेप है, उसके बाद ये, तो यहाँ लिखा भी हुआ अलग से कि थर्ड वाला सही है। ठीक, और ये जो है इसको माइंड में रखेंगे सीक्वेंस। ठीक, आगे चलेंगे, वो एनसीईआरटी का नहीं था। व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी नाम है। तो सबसे पहले यही एक फैक्ट है कि पहले ट्रांसजेनिक काउ का नाम क्या था, रोजी। तो क्या प्रेजेंट था, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन अल्फा, लैक्ट एल्ब्यूमिन, बीटी प्रोटीन या फिर इंसुलिन। तो ये है एनसीईआरटी सोर्स, और यहाँ पे दिया हुआ है कि सिमिलर अटेम्प्ट आर बींग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स पर लीटर, द मिल्क कंटेंड ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक ठीक, तो यहाँ पे लैक्ट एल्ब्यूमिन देखेंगे, तो बी वाला सही है ये। नेक्स्ट, ये इतने अच्छे से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सीक्वेंस 3 to 5 और 5 to 3 दिया हुआ है। जी टी
और PYPU मतलब वही पिरिमिडीन प्यूरिन, और उसके बाद ये, तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ विच एंजाइम, तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं और कौन सा सही है ये पता कैसे चलेगा। ये एक टेबल है ठीक, जब पूरा आप ठीक से देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हेंड एच टू यही मिलेगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये है 5-3 सीक्वेंस, 3-5, यहाँ पे GTC, GAC, CAG, CTG। ये क्या लिखा हुआ है, CAG और ये वही, और ये GT, ये अगर हम देखते हैं ये वाला हिंड टू, ये GTC, GAC और CAG, CTG। तो ये होगा CAG, CTG और ये, तो यहाँ पे थर्ड वाला सही है ठीक। इस टेबल को थोड़ा ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ग्लोफिश, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, डॉली शीप। तो डॉली द शीप नहीं है, ये कुछ किसी भी जो रेफरेंस बुक है बायोटेक की, अपने में सभी ठीक है, तो उसको आप जब पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे NCERT के अलावा तो जो भी टेबल मिलेगा ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाले, तो उनको थोड़ा सा टेबल वाला एक जगह अलग से नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जैसे दिया है फ्लेवर सेवर टोमेटो, तो उनके यूजफुल कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे स्लो राइपनिंग फॉर लॉन्ग शेल्फ लाइफ, सोयाबीन या फिर कॉटन या फिर कॉर्न ये क्या करते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंस, कॉटन टोमेटो ब्रिंजल राइस ये सब इंसेक्ट रेजिस्टेंस, टोमेटो पोटैटो राइस टोबैको वायरल रेजिस्टेंस, और गोल्डन राइस रिच इन विटामिन ए। ये इसको टेबल के तरीके से लिस्ट वन लिस्ट टू करके पूछा जा सकता है, अभी तो ऐसे ही पूछ रहे हैं वन लाइनर। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है डॉली द शीप इज नॉट अ GMO बिकॉज शी वॉज क्रिएटेड यूजिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग एन अडल्ट सेल न्यूक्लियस अनफर्टिलाइज एग सेल में, नॉट बाई GMO ठीक। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ये क्या है, तो BT है या फिर ये है या इकोलाई है या फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, तो सेकंड वाला सही है। ठीक से पढ़ेंगे तो NCERT में दिया, थोड़ा सा वे एक तरीके से दिया हुआ, नेम कैरी म्यूलिस इज एसोसिएटेड विथ, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA सीक्वेंसिंग, PCR या फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग। और हाँ, जैसे हमने कल देखा था कि एब्रिविएशन पूछ रहे थे, तो PCR का भी पूछ सकते हैं, तो ये होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है कि एक बार साइंटिस्ट का नाम पूछा है PCR से रिलेटेड, तो आप इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो आपको लगता है कि इसके साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, तो आप उसका अलग से एक नोट बना लेना, जैसे एक साइड कॉन्सेप्ट, एक साइड साइंटिस्ट के नाम, और ऐसे बॉक्स कर सकते हो। तो PCR हो गया, ये जो रेफरेंस मटेरियल है जहाँ से डायरेक्ट लिखा हुआ था, किसी भी बुक में मिल जाएगा PCR, तो उसका फुल फॉर्म लिखा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये एक टेक्निक है ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन या फिर DNA इन विट्रो। इस टेक्निक को डेवलप किया था कैरी मुलिस 1985 में, डेट भी याद रखेंगे। सो ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑन द DNA मॉलिक्यूल व्हेन सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर स्प्लिट इन 2 DNA स्ट्रैंड्स ड्यू टू डीनेचुरेशन। तो उसको काफ़ी लंबे चौड़े में दिया है थियरी पार्ट, इसको जब हम कभी थियरी पार्ट पढ़ेंगे तो देख लेंगे, अभी हम सिर्फ PYQ सॉल्व कर रहे हैं ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है DNA में विच कैन बी ईजिली कट इन अबाउट द मिडल बाई सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो NCERT में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, CAC नहीं होगा, यही होगा जिसने रटा होगा अच्छे से, GAA, TTC और ये 5-3, 3-5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड वाला सही होगा। ये वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू नो वॉट पैलिंड्रोम्स आर, तो ये बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो बनाते हैं सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, जैसे मलयालम उल्टा पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, सीधा पढ़ेंगे तो भी वही आएगा, एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेर द सेम वर्ड इज रेड इन बोथ डायरेक्शंस। पैलिंड्रोम इन DNA एज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन रीडिंग इज केप्ट द सेम, तो अगर ओरिएंटेशन सेम रखेंगे तो सेम आएगा।
जैसे ये 5 to 3 जा रहे हैं, अब यहाँ 5 to 3 जाएंगे तो ये जी ए ए ए टी टी सी है, फिर उल्टा जाएंगे तो क्या हुआ, जी ए ए टी टी सी। तो रीडिंग केप्ट द सेम। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो दिया हुआ है 5 to 3 डायरेक्शन और 3 to 5 डायरेक्शन, तो दोनों में अगर 5 5 3 करेंगे, 5 3 5 3 तो वही आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये थ्री पार्ट दिया हुआ है, तो जो हमारे क्वेश्चन में था जी ए ए टी टी सी सी टी टी, उसी का उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जाएंगे, ये सिर्फ एक ही जगह है कि यहाँ सीधा गए जी ए टी टी सी, फिर उसके बाद यहाँ से 5 to 3, फिर 5 to 3 जाएंगे तो वही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ, जो यहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी सब में ऐसा नहीं है, इसलिए ये सेकंड वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस कैन बी ऑब्टेंड बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन हाइब्रिडाइजेशन ए रेडिएशन बाय गामा रेज या फिर टिश्यू कल्चर। तो करेक्ट आंसर होगा टिश्यू कल्चर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लांट डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो यहाँ पे लीफ गॉल ऑफ द पोंगेमिया, विच इज़ ब्रूम डिजीज़, क्राउन गॉल डिजीज़, ग्रीन ईयर डिजीज़। तो ये बाजरा वाले में होता है, ये इसमें नहीं होगा, आई गेस पाउडरी माइल्ड करके होता है, ये भी नहीं होगा, थर्ड वन करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन टर्म सबसे पहले किसने क्वाइन किया था, साइंटिस्ट का नाम है लार्किन स्काउक्रॉफ्ट 1991 में, एनसीईआरटी के बाहर से साइंटिस्ट का नाम मैंने लिख लिया था। डेफिनेशन दिया हुआ है तो आप देख सकते हो, बस ये किसी काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी आपने देखा इकोलॉजी का डेफिनेशन पूछा हुआ था तो पूछ सकते हैं, तो बस एक बार ऐसे रीड कर लेंगे, जेनेटिक वेरिएशन ऑकरिंग इन टिश्यू कल्चर रीजेनरेटेड प्लांट्स थ्रू सोमेटिक टिश्यूज। बस जब थ्योरी पढ़ेंगे तो चीज़ों को ब्रेक डाउन करके ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। यहाँ पे ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम वेयर दे वर ग्रोन, दे आर सोमा क्लोन्स। मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब एट्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन अ कमर्शियल स्केल यूजिंग। यहाँ पे ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सोमा क्लोनल वेरिएशंस, इसीलिए रेफरेंस बुक पढ़ना होता है, थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सोमा क्लोनल एंटी वेरिएशंस कैन बी ऑब्टेंड बाय, तो टिश्यू कल्चर की वजह से देखने मिलता है। वही चीज़ यहाँ घुमा के बोला है कि विजिट द टिश्यू कल्चर लैब, इसको बताने के बाद यहाँ पे ठीक, तो बहुत इशारों इशारों में लिखा जाता है तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सकल बनाएंगे, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीसीआर, तो डीएनए टेम्पलेट, काइटिनेस एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। करेक्ट आंसर सेकंड वाला होगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है कि बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे क्या सही होगा, तो यहाँ पे ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम, तो ई कोलाई करेक्ट आंसर है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ईली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था 2 डीएनए सीक्वेंस करिस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन ए और बी, ठीक, क्रिएटिंग अ बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बॉन्ड जहाँ जहाँ आपको देखने मिले हाईलाइट कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बने, हाइड्रोजन बॉन्ड है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, उसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे या एक चार्ट ही बना लेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का। दी एंजाइम यूज इन पीसीआर, तो टैग पॉलीमरेज होगा, बाकी नहीं होगा, राइबोन्यूक्लियेज नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज लिखा होता तो सही कर देते या फिर टैग पॉलीमरेज, और ये तीनों का सीक्वेंस पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो डी ए ई करके, तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, डे करके याद कर सकते हैं पर याद कर लेना। ठीक, 2018 का क्वेश्चन है कि जब प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन होता है, प्लांट सेल वॉल डिग्रेड करते हैं, एंजाइम यूज्ड, न्यूक्लियस, लाइपेज, सेलुलेज या फिर पेरोक्सिडेज, सेलुलेज का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी यूज टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, जिनका हम आगे
फर्दर ग्रोथ करा सकते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। इसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड, इसी प्रोसेस को बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो एंजाइम्स जो है वो पेक्टिनेस या सेलुलेज हो सकता है। यहाँ पे हमारे काम का जो था वो ये था कि सेलुलेज आएगा क्योंकि प्लांट की बात हो रही है। आगे देखेंगे रेजिस्टेंट, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बेटर सही रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम, तो इंसेक्ट, बैक्टीरियम, रिलेटिव ऑफ कॉटन या फिर वायरस। तो बैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वेट, हाँ ये वाला। अगला है कि बीटी टॉक्सिन जीन्स विच कंट्रोल द कॉटन बोल वॉर्म इज, तो क्राई 2AC, क्राई 3AB, क्राई 1AB, क्राई 1AC या फिर क्राई 2AB। पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये, इसको पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन्स क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कंट्रोल्स द कॉटन बोलवार। तो क्राई 1AC, क्राई 2AB। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो क्राई 1AC, क्राई 2AB इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि कॉटन बोलवार्म पूछा है। कुछ और पूछता तो हम कुछ और लगा देते। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है कि देर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल ये क्राई 1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर। ठीक, GEAC का फुल फॉर्म पूछा है, ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे GEAC, तो जेनेटिक एथिकल, एथिकल नहीं होगा, एथिकल भी नहीं होगा, इंजीनियरिंग होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये, जब हम एथिकल कट करते हैं एथिकल, तो बचा क्या, एक्टिव या अप्रूवल। तो इस तरीके से जो ऑप्शन से बनाए जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। अगर हम देखते हैं GEAC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था एक ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो इन सब मुद्दों पे डिसीजन ले GM रिसर्च के लिए। यहाँ पे अप्रूवल हम ढूंढेंगे, एक्टिव गया, एथिकल एथिकल गया, एक ही बचा अप्रूवल, तो वो सही है। चार पांच बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। और ये एब्रीविएशन का क्वेश्चन है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि उसका आया था इकोलॉजी में PAR का एब्रीविएशन पूछा था, यहाँ पे बायोटेक का पूछा है। तो बायो में जहाँ जहाँ आपको मिले एब्रीविएशन, जैसे PCR वगैरह है, तो उनका एक A4 शीट पे सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन का टेबल बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखेंगे सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन जनरल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग पे, मॉलिक्यूलर वेट पोर साइज पे डिपेंड करता है। ये भी NCERT में दिया हुआ, थोड़ा सा वेग है पर दिया हुआ है। सिंथेटिक आयन एक्सचेंज पॉलीसेकेराइड, ये टिपिकल। यहाँ पे सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द DNA विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो DNA फ्रेगमेंट्स पे यूज्ड इन दिस रिकॉम्बिनेंट, यू कैन नॉट सी प्योर फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। तो यहाँ पे मे भी ठीक से ना दिया हो, लेकिन पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक, साइज था, बहुत अच्छे से नहीं दिया था, एक रेफरेंस मटेरियल देख लेना। बहुत सारी चीज़ें NCERT में वेग तरीके से लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है द परमानेंट क्योर ऑफ जीन थेरेपी। तो पहला ऑप्शन है कि जीन्स जो है आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम थाइमस इन एन एडल्ट वर कल्चर्ड एंड, इसको हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि परमानेंट क्योर पूछा है, एक होता है क्योर एक होता है परमानेंट क्योर। ठीक, तो यहाँ पे एक बार NCERT देख लेते हैं। ये है, जब पूरा देखेंगे तो वहाँ पे हमको लास्ट में ये लाइन है, इफ़ द जीन्स आइसोलेट फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
इसको अगर हम पढ़ते हैं कि परमानेंट क्योर क्या है. परमानेंट क्योर कैन बी तो जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो पहला ही सही है, बाकी इनकरेक्ट है. अगर हम पढ़ते करेक्टेड, करेक्टेड का मतलब है क्योंकि परमानेंट की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा.